दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमें लोकल के लिए वोकल बनना है और कैसे ये स्लोगन, ये नारा और ये प्रैक्टिस हमारी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में हमारी मदद करेगा। हाय एवरीवन, मैं हूं सूरज और वेलकम करता हूं आपका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से हमारे पूरे देश में लगभग 50 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन हो चुका है, जिसके चलते कई सारी इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार में हैं या बंद हो चुकी हैं। कई सारे एम्प्लॉयज अपनी जॉब खो चुके हैं, अपनी नौकरी खो चुके हैं और कई सारे खोने वाले हैं। कई लोगों की सैलरी में डिडक्शन हो रहा है और कई सारे इंडस्ट्री वाइप आउट होने वाली हैं अगले कुछ महीनों में। दोस्तों ये कंडीशन बहुत ही सीरियस है, आने वाले समय में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आने वाली हैं जिनको हमें मिलकर फेस करना होगा। इसके चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने रिसेंट भाषण में हमको एक नारा दिया है, बी लोकल एंड बी वोकल अबाउट इट। यानी कि अब हमें करना क्या है, आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और उसके बारे में वोकल भी होना है, उसको एडवर्टाइज़ भी करना है, वो भी प्राउडली। जब पूरा देश मिलके एक साथ इस मुहिम में जुड़ जाएगा तो कैसे ये मदद करेगा हमारी देश की कंडीशन को, हमारी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को संभालने के लिए, लेकिन ये होगा कैसे, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपके स्क्रीन के राइट साइड पर एक सब्सक्राइब का बटन होगा, इस तरफ या इस तरफ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम आपके लिए ट्रैवल से जुड़े, यूट्यूब लर्निंग से जुड़े और ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो दोस्तों बात करते हैं लोकल एंड वोकल के बारे में। दोस्तों लोकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इंडिया में बनते हैं, जिनके मालिकाना हक हमारे हिंदुस्तानियों के पास में है। यानी कि अगर आपके आसपास कोई स्मॉल इंडस्ट्री या कोई बड़ी इंडस्ट्री, या अगर आपके आसपास ना भी हो, अगर आप कोई ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, आप जब किसी स्टोर पर जाते हैं कोई ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बना है, हमारे है, अगर उस प्रोडक्ट में मेड इन इंडिया लिखा है तो हमारे इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सेकेंड थिंग, अगर वो ब्रांड हमारे इंडियन का है, अगर उस ब्रांड के मालिक की हमारे इंडियन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर वो इंडिया का है तो वो लोकल काउंट करा जाएगा, यानी कि वो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स का इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, इंडियन ब्रांड्स का इस्तेमाल करें। उससे होगा क्या, एक एग्जांपल के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एग्जांपल के लिए जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको हम वैल्यू दे देते हैं एक्स। जो इस एक्स की रहस्यमय जिंदगी है, रहस्यमय समस्याएं हैं, वो आपने अपने स्कूल टाइम में काफ़ी सुना होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी हम इसको एक्स मान लेते हैं, हमारे इंडियन प्रोडक्ट को। आज से पहले जो ये एक्स की खपत होती थी, जो इस्तेमाल होता था, वो 20% ही होता था। बाकी का 80% हम इस्तेमाल करते थे फॉरेन प्रोडक्ट्स को। यहाँ हम किसी चाइना या पाकिस्तान या अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेन प्रोडक्ट्स, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको हम फॉरेन प्रोडक्ट कहते हैं, कोई बाहर का जिसका मालिकाना हक है, जिसकी प्रोडक्शन बाहर हो रही है। तो आज के बाद से हमें क्या करना है, जो ये एक्स प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, आज से पहले 20% की कंजप्शन थी हमारे इंडिया में और ये इंडिया में ही बनता था प्रोडक्ट, इसका मालिकाना हक इंडिया में था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस एक्स को, हमें जो 20% था इसको पहुंचाना है 100% पर, यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं पूरा देश मिलके 20%, अब इसको हमें 100% करना है, कम्प्लीटली हमें डिपेंड होना है अपने इंडियन प्रोडक्ट्स पे। ये जो एक्स है वो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। इससे होगा क्या, जब इस एक्स प्रोडक्ट की डिमांड 20 से 80% बढ़ जाएगी, तब इस मैन्युफैक्चरर को इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी पड़ेगी, प्लांट बनाने पड़ेंगे, छोटे बड़े जैसे भी हो सकते हैं। जब वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे तो उनको ज़रूरत पड़ेगी इम्प्लॉयज़ की, प्लेस की, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे रोजगार बढ़ेगा, साथ में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इनको फ़ायदा होगा और इसका प्रॉफिट इंडिया में ही रहेगा। तो दोस्तों जब ये मैन्युफैक्चर इस सप्लाई को मैच करेगा तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिए होंगे, उसको प्लांट लगाने पड़ेंगे और ये सारी चीज़ें, उसे लोकल हायरिंग करनी पड़ेगी, लोकल जगह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो इंडिया के लोगों को ही मिलेगा, हमारे देश के लोगों को ही मिलेगा। साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जब वो मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको सप्लाई करने के लिए होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स को भी काम मिलेगा, एक लंबी चेन बनेगी। साथ में जब वो इन सारी सेल्स करेगा, यानी इसकी सेल जब बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट होगा, जिसका टैक्स के रूप में हमारी सरकार को भी बेनिफिट होगा।
तो दोस्तों हमने यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करी है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर सिर्फ हमने भी एक प्रोडक्ट की बात की है। अगर हम अपने जीवन में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ या 90% चीज़ को इंडियन मेड यानी मेड इन इंडिया वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें, सोचिए कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, कितना ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा। ये सारा बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको आगे चल के हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होगा, और इसी तरह हमारी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो पाएगी। और यही कहना चाह रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी। यहाँ हमने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जिसका फ़ायदा हमको होगा आगे चलकर, इसीलिए हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है और कोशिश करनी है कि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स का, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। बी लोकल एंड बी वोकल अबाउट इट, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें और उसके बारे में वोकल हों, उसको एडवर्टाइज़ करें और उसको एडवर्टाइज़ करने में प्राउड फील करें। दोस्तों अगर हम बात करें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की प्रचार करने के बारे में कि इसको प्रचार अभी करा जा रहा है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई सालों से स्वदेशी का प्रचार हो रहा है, इससे कई साल पहले भी महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी का प्रचार किया था। काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पर पतंजलि ने प्रोड्यूस किया है इंडिया के लिए, और ये कई सालों से स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं 100 बार उसके बारे में रिसर्च करते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए कैसा है, हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए कैसा है, कब ये एक्सपायर हो रहा है और भी कई सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आज से हमें एक और चीज़ उसमें देखनी है कि क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये ब्रांड इंडिया का है, मेड इन इंडिया है, क्या ये ब्रांड का जो ओनर है वो इंडिया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन क्या वो इंडिया का है। अगर हम ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो इसका बेनिफिट हमें आगे चलकर हमको ही होगा, हमारे देशवासियों को ही होगा। दोस्तों हमें इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखना है, इसको बहुत ही सीरियस तरीके से देखना है कि आज से हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो मेड इन इंडिया ही हो। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके साथ कुछ चीज़ें और भी शेयर करना चाहूँगा। अगर दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम हेल्प कर पाएँ अपनी इस कंडीशन को बेहतर करने में, अपने देश की इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए, तो उसके लिए हमें करना क्या, हमें बहुत छोटे छोटे कदम उठाने हैं, और यही ऐसे ही कुछ बेसिक सी बातें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आज के बाद जब भी कोई भी सामान लेते हैं तो पक्के बिल की ज़रूर मांग कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई सामान लें उसमें पक्का बिल लें। ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार आप जानते भी होंगे, लेकिन हम सुनने के बाद भी कई बार इन चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं। लेकिन अब हमें इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, हमें कोशिश करनी है कि हम कोई भी सामान लें उसका पक्का बिल लें, ताकि आपने जो भी सामान लिया है उसकी जो सेल है, उसकी जो अमाउंट है, वो रजिस्टर हो पाए गवर्नमेंट के पास, उसका टैक्स जाए और उसका बेनिफिट हमें आगे चल के मिले। फॉर एग्जाम्पल हमें इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, गोल्ड और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका बेनिफिट हमको आगे चल के हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे इंडिया को बेनिफिट होगा। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करने का। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों करप्ट प्रैक्टिस। ये होता है जो भी हम करप्शन के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं, कोई काम करवाने के लिए, चलान से बचने के लिए कोर्ट में, या कहीं पर भी हम कोई भी काम कराने के लिए जो हम घूस देते हैं वो हमें बंद करना होगा। ये आपने कई बार पहले भी सुना होगा और इस बात को भी और भी थोड़ा सीरियस लेना है। अगर हम करप्ट प्रैक्टिस को बंद कर देते हैं तो इसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट को होता है, जो जिसका बेनिफिट हमें बाद में चल के मिलता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें करप्ट प्रैक्टिस को बिल्कुल बंद करना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो घर पर रह के किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये ना ही सिर्फ बिज़नेस क्रिएट करती हैं बट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि इसका डायरेक्टली बेनिफिट भी हमको आगे चलकर होगा, हमारी इकोनॉमिक सुधरेगी, हम सुधर पाएंगे, हमारी जो कंडीशन है वो बेहतर हो पाएगी। दोस्तों आज के बाद हमें करना क्या है, आज के बाद हमें बी लोकल एंड बी वोकल, यानी कि हमें लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और उसके बारे में वोकल भी होना है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए और इसका जो मकसद है वो पूरा हो पाए। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर आप कॉमेंट कीजिए, अपने व्यूज़ हमें बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बी पार्ट ऑफ आवर TG फैमिली। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी आपके लिए हम नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिपो गाइड।